टंडो अलेयार प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर यूनियन के ड्राइवर की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब टंडो अलेयार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि एक सियासी जमात का रहनुमा और मकामी वकील की जानिब से मुझ गरीब पर भत्ताखोरी समेत दीगर आयद करदा इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ और मैं इज्जत का दावा अदालत में दाखिल करूंगा। हुकूमत की जानिब से हमें टैक्सी स्टैंड दिया गया और हमारे पास जो ड्राइवर मेम्बर है इनसे माहाना 100 रुपए चंदा लिया जाता है, लेकिन एक बाअसर एक सियासी जमात का जिला सदर और मकामी वकील की जानिब से टैक्सी स्टैंड को सियासी रंग देकर अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं। प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर मजदूर यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी रियाज जट, सरप्रस्त आला इशफाक नईम खानी, सदर गुलाम मुस्तफा के डीओ समेत दीगर जिम्मेदारान ने नेशनल प्रेस क्लब टंडो अलेयार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद बताया कि हमारी यूनियन हुकूमत सिंध से मंजूर शुदा यूनियन है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तजावजात की दाखिल पिटीशन पर फैसला दिया था कि तमाम शहरों से तजावजात का खात्मा किया जाए, जिसकी रोशनी में जिला इंतजामिया ने हमारी टैक्सी ड्राइवरों को जो नेशनल बैंक के सामने अड्डे के बाहर खड़े थे उठा दिया। जबकि टंडो अलेयार के एक मकामी वकील अख्तर हुसैन लगारी की जानिब से सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि बस स्टैंड टंडो अलेयार को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद जज साहब ने अपने फैसले में बस स्टैंड को फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने हमारे तमाम टैक्सी ड्राइवर समेत कोस्टर को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया था, जिस पर हमने अपनी यूनियन के प्लेटफॉर्म से मस्कूरा सियासी जमात के वकील ने कोस्टर स्टैंड और कार स्टैंड को दोबारा शहर में लाने के लिए दरख्वास्त अदालत में दी, लेकिन अदालत से हम दोनों की दरख्वास्त खारिज कर दी गई और अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा, जिस पर हमने जिला इंतजामिया को टैक्सी स्टैंड देने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी टंडो अलेयार के चेयरमैन सैयद इमदाद हुसैन शाह रिज़वी ने हमें ग्रैंड स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड की जगह फराहम कर दी और बाकायदा इसका इफ्तिताह मियो शाह अनायत रिज़वी स्टेशन के नाम से किया और तमाम टैक्सी ड्राइवर शहर से बाहर जाने वाले टैक्सी स्टैंड पर मुंतकिल हो गए। जबकि दूसरी जानिब बाज़ अफराद ने हमारी यूनियन में इख्तलाफात पैदा करने के लिए यूनियन में ग्रुप बंदी की, जिसके बाद कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने दोबारा नेशनल बैंक के सामने गैर कानूनी स्टैंड खोल कर खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि तमाम टैक्सी ड्राइवर एक जगह खड़े हों अंदर या बाहर, लेकिन एक ही सियासी जमात के एक रहनुमा ने अपने सियासी दुकान चमकाने के लिए मुझ पर भेजा भत्ताखोरी के इल्जामात साथ साथ दिगर इल्जामात आयद किए, जिसको मैं मुस्तरद करता हूं। अगर सियासी जमात के रहनुमाओं ने माफी नहीं मांगी तो मैं अदालत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। कैमरा टीम के साथ तारिक हमीद अब्बासी, HNN न्यूज, टंडो अलेयार।